सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से, आइए वचन को देखते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बनो, वचन के द्वारा ही चंगाई, वचन के द्वारा ही छुटकारा और वचन के द्वारा ही उद्धार होता है। इसलिए आप वचनों की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह वचन ही आपके जीवन में जाकर अपने उद्धार को प्रकट करेंगे। इसलिए आइए इस वचन को देखते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह उन लोगों के लिए आवाज लगाते हुए कह रहे हैं कि जो दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, परेशानियों से, निराशा से, गरीबी से, कर्ज से, तमाम तरह के बंधन, तमाम तरह के श्राप से जो डूबे हुए, ऐसे लोगों को वह प्रभु कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, कहता हे मेहनत करने वाले, हे परिश्रम करने वाले, हे थके हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। कहता हे दुख से, तकलीफ से, विपत्ति से, परेशानी से, पाप से, पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो इसलिए कहता क्योंकि वो हम सबका पिता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को उसी ने बनाया, मनुष्य को उसने बनाया है। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि देख, एक माँ एक अपने जन्माए हुए को त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। कहता है मैं तुझे त्याग नहीं सकता, तुझे छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं त्यागूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इसलिए कहता है कि मैंने तेरे तस्वीर को अपने हाथों से गढ़ कर दिया। हमारा परमेश्वर हमें और आपको मां के गर्भ में अपने हाथों से तैयार किया, इसीलिए वह भुलाता है, कहता है तुम मेरे हाथ की बनी हुई सृष्टि हो, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कहता हे बीमारी में पड़े हुए लोगों, तुम मेरे शरण में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त करूंगा। हे कर्ज से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे कर्जा से मुक्त करूंगा। हे श्राप से, बंधन से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं श्राप और बंधन से मुक्त करूंगा। हे शैतान की आत्मा से दबे हुए लोगों, कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कहता हे पाप से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कहता तेरा सारा बोझ मैं ले लूंगा, इसलिए कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कहता है मेरे पास आकर तुम क्या करो कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। कहता है मेरा जुआ, मेरा काम, मेरा आज्ञा, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र तुम ले लो, मेरा रहन सहन। कहता है कि ये क्या करो कि तुम अपने ऊपर ले लो। कहता है मेरा जो जुआ है ना, तुम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कह रहा है कि जीवन जीने के तरीके के विषय की बातें कह रहा है। कह रहा है मेरा जुआ उठा लो और उठाकर सीखो, मुझसे सीखो। कह रहा है मैं इसलिए सीखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम भी क्या करो, नम्र बनो और मन में दीन बनो। अगर तुम भी नम्र और मन में दीन बनोगे तो अपने मन में विश्राम पाओगे।
अगर तुम भी नम्र और मन का दीन बनोगे तो अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम्हें आराम मिलेगा, मन में शांति आएगी। कहता है देखो मैं ये काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि क्योंकि कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। कह रहा है कि मैं जो अपना जुआ तेरे ऊपर दे रहा हूं, मैं अपना बोझ तुम्हें, अपना लोड तुम्हें जो दे रहा हूं ना, कह रहा है कि मेरा जुआ सहज है, आसान है, यानी मेरी आज्ञा, मेरे स्वभाव में होकर, चरित्र में होकर, मेरी आज्ञा में होकर चलना बहुत आसान है। मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का। कह रहा है कि ये जो मैं तुम्हें बोझ, मैं लोड तेरे ऊपर दे रहा हूं ना, ये बहुत आसान है, बहुत हल्का है, ये कठिन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई अवश्य कि हमें उस परमेश्वर के जुआ को अपने कंधों पर लेकर चलना चाहिए। जब हम उसके जुए में होकर चलते हैं, उसकी आज्ञा में, उसके वचनों में, उसकी विधि, उसकी व्यवस्था में होकर चलते हैं, तो हम अनंत काल का वारिस बनते हैं, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। यदि आप भी प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके वचन में बने रहिए, उस परमेश्वर के शरण में आइए, उसको प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए। जरूर है कि आप अपने जीवन में विश्राम पाओ। हमें हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है, सुराजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है। हे पिता तू स्वर्ग से अपने लंबे छह दिव्य कुंज से लतपत घायल हाथों को बढ़ाता भी, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु हर एक को तेरा स्पर्श सुने पाए, हर एक को प्रभु तू छू ले ताकि इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने भी है परमेश्वर अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर उनके जीवन में एक अलौकिक चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिनका जमीनी विवाद है समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका जिनका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उनका मुकदमे का फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर इनमें से जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर में, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सर में कोई दर्द है, पीड़ा है, बिल्कुल खत्म होने पाए। आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, इनके सीने में बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, स्टाटिका की बीमारी निकल जाए, लीवर चंगा हो जाए, किडनी चंगी हो जाए, इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं अपेंडिस हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से शरीर में पथरी हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजली, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं जिसके पास कोई संतान न हो, संतान की आशीष मिले, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हरि को अपने लहू से धोकर चंगा कर। हे प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में आशीष दे प्रभु, ताकि इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जो तेरी सेवा के लिए तैयार हो रहा है प्रभु, उनको उनको अपनी आत्मा और आत्मा की सामर्थ्य से भर, ताकि तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए, उन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर। लिव रिवासिंग गिरे देश लुबासा खला अपालबा सेन देश शोबालबा सखा वरंदा लबरे ओ शिखारा बासिन देश लेबासा खला। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य के जीवन में उतरे और हर कोई तेरी आत्मा की सामर्थ्य में भरता और बढ़ता जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।